दुनिया में हम हर तरह की बीमारियों से कभी ना कभी परिचित हुए हैं, लेकिन इन सभी बीमारियों से भी एक घातक बीमारी होती है जिसके बारे में जानते हुए भी हम कुछ नहीं कर पाते हैं, वो है अज्ञानता। ऐसी ही एक कथित विदुषी महिला है जो इस बीमारी की शिकार भी है और इसे सिद्ध करने का कोई अवसर हाथ से जाने नहीं देती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की अभिनेत्री सोनम कपूर आहूजा की। मोहतरमा ने अभी हाल ही में हार्पर्स बाजार अरेबिया नामक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में बताया, मेरे लिए नारी सशक्तिकरण बहुत मायने रखता है क्योंकि मैं दुनिया के उस हिस्से से आती हूँ जहाँ महिलाएं दोयम दर्जे की नागरिक हैं। अब इससे पहले कि हम सोनम कपूर के महान शब्दों पर अपने विचार प्रकट करें, आइए जाने कि हार्पर्स बाजार अरेबिया मैगजीन आखिर है क्या। ये हार्पर्स बाजार मैगजीन का अरबी संस्करण है जो मिडिल ईस्ट और उत्तरी अफ्रीका में काफी प्रचलित है। इसका सब्सक्राइबर बेस सबसे ज्यादा सऊदी अरब और कतर में मजबूत है। मजे की बात यह है कि सोनम ने इंटरव्यू सऊदी अरब और कतर की जनता को संबोधित करते हुए दिया था, जिनका नारी सशक्तिकरण से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। अब आते हैं सोनम कपूर के बयानों पर। या तो इन्हें भारत के इतिहास के बारे में लेश मात्र भी ज्ञान नहीं है, या फिर ये छद्म धर्म निरपेक्षता के विचार को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के अपमान का बीड़ा उठाया है। जिस देश में सदियों से यह भाव रहा है कि शिवजी भी शक्ति के बिना शव है, जिस देश में स्त्री के बिना पुरुष आज भी अधूरा माना जाता है, उस देश में महिलाओं को द्वयम दर्जे का नागरिक कहना घोर अज्ञानता नहीं तो क्या है। सोनम महोदया की जानकारी के लिए हम बता दें कि ये वो भारत है जहां सिंधु सरस्वती सभ्यता से ही नारियों को पुरुषों के बराबर स्थान दे दिया जाता था। ये वो भारत है जहां गार्गी और सुलभा जैसी ऋषिकाएं भी वेदों पर दीक्षा दिया करती थी। ये वो भारत है जहां श्री रामचंद्र के नाम के पहले उनकी अर्धांगिनी सिया का नाम लिया जाता है। ये वो भारत है जहां के सबसे उत्कृष्ट योद्धाओं में से एक छत्रपति शिवाजी महाराज की महिमा में भी पहले उनकी इष्ट देवी यानी मां भवानी का नाम लिया जाता है। यूं ही नहीं बोला जाता, जय भवानी जय शिवाजी। निसंदेह अनेक इस्लामिक आक्रांताओं द्वारा हुए आक्रमणों के कारण हमारे देश में स्त्रियों के लिए सम्मानजनक स्थान काफी घटा है। हम इस बात से भी अनभिज्ञ नहीं है कि कुछ राक्षस आज भी महिलाओं की आबरू लूटने की ताक में लगे रहते हैं, परंतु ये वो भारत है जहां पर महिलाओं को ना केवल शासन की कमान सौंपी गई है अपितु उन्होंने बड़े से बड़े शत्रु को धूल भी चटाई है। ये वही भारत है भैया जहां लाखों की सेना लेकर आए क्रूर तैमूर को भी राम प्यारी गुर्जर जैसी 40,000 वीरांगनाओं के हाथों पराजय का मुंह देखना पड़ा। ये वो भारत है जहां वेलू नाचियार जैसी वीर योद्धा ने अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिए थे। सोनम कपूर उदाहरण गिनते गिनते थक जाएंगी, पर भारतीय संस्कृति में वीरांगनाओं के लिए हमारा सम्मान कभी समाप्त नहीं होगा। परंतु सोनम कपूर ऐसी पहली अभिनेत्री नहीं है जिन्होंने अपनी अज्ञानता का इतना शानदार परिचय दिया हो। 2017 में बेगम जान के प्रमोशन के दौरान विद्या बालन ने भी लगभग इसी परिपाटी पर बयान दिया था। कहती हैं, ये देश कभी औरतों का था ही नहीं, हम प्रारंभ से ही द्वयम दर्जे की नागरिक थी, हम किसी भी पंथ जाति या क्षेत्र से आए परंतु पुरुष ही हमारा भाग्य तय करते हैं। मजे की बात यह है कि इसी बकवास के बावजूद उनकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप से थी। इसके अलावा तानाजी के रिलीज होने के कुछ दिनों बाद फिल्म कंपेनियन द्वारा आयोजित एक इंटरव्यू में सैफ अली खान ने अपनी घोर अज्ञानता का परिचय देते हुए कहा था, मैं नहीं मानता जो तानाजी में दिखाया गया है वो वास्तविक इतिहास है। मैं नहीं मानता कि अंग्रेजों से पहले इंडिया जैसे देश का कोई अस्तित्व नहीं हुआ करता था। परंतु नवाब साहब की पोल जल्दी ही खुल गई क्योंकि रिलीज से एक हफ्ते पहले जनाब ने अजय देवगन के उस बयान पर हां में हां मिलाई थी जब उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के कारण हम अपने अधिकांश इतिहास से आज भी अपरिचित हैं। ऐसे में सोनम कपूर के इस बयान के पीछे दो ही कारण हो सकते हैं, या तो उनको भारत की बेइज्जती करवाने में एक विशेष आनंद मिलता है, या फिर उन्हें भारत की वास्तविकता का लेश मात्र भी ज्ञान नहीं है। परंतु एक बात तो स्पष्ट है, दोनों ही स्थिति में नुकसान तो सिर्फ सोनम कपूर आहूजा का ही है क्योंकि हम सोते हुए व्यक्ति को जगा सकते हैं पर सोने का नाटक करने वाले को नहीं।